राम राम भाई सारे किसान भाई ने किसान भाइयों। देखो भाई मैसी 241 से कद्दू कर रहे हैं रोटावेटर के साथ। तो भाई इसमें आपको कुछ जानकारी आपको कैसे चलाना है ये रोटावेटर, ये देखिए आप जब मोड़ते हैं ट्रैक्टर ऊपर उठाओ हो जी रोटावेटर। तो भाई आप भी इस प्रकार से मोड़ते वक्त थोड़ा ऊपर उठाएं, यदि ऊपर नहीं उठावे तो नहीं करते हो चलता हुआ ट्रैक्टर। वैसे आप सीधा चला रहे हैं ट्रैक्टर तो अच्छे से लगाएं रोटावेटर, आपको बता रहे हैं रोटावेटर चलाने के टिप्स। आप मैसी 241 1328 के टायर में है, जो इस ट्रैक्टर को आप तीसरे के लो गियर में 14-15 की रेस पर चला सकते हैं आसानी से, रोटावेटर से कद्दू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ एक बात का आप ज़रूर ध्यान रखें, जैसा ही किसान भाई ने बताया है भाई, आपको मोड़ते वक्त ट्रैक्टर जब आप मोड़ेंगे ट्रैक्टर को तो आपको रोटावेटर थोड़ा ऊपर उठाना है, जैसे कि वहाँ पर मोड़ते वक्त किसान भाई उठाएंगे आपको दिखाएंगे वीडियो के अंदर। तो भाई वीडियो ने शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो पहले आपको ये दिखाएंगे भाई मिलेंगे तो उन्हें जल्दी नेक्स्ट वीडियो में सभी ट्रैक्टर की वीडियो लेकर आवाँगे। यही नहीं है भाई एक ट्रैक्टर की, फार्म ट्रैक सोनालिका न्यू हॉलैंड स्वराज सभी ट्रैक्टर की आइसर सभी ट्रैक्टर की वीडियो लेकर आए भाई। चैनल ने सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो ने शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। ये देखिए मैसी 241, अब देखिए भाई यहाँ पर ऊपर उठाएंगे किसान भाई रोटावेटर को, देखिए आप कैसे थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे, आप ध्यान से देखिए, ये देखिए मोड़ते वक्त ऊपर उठाएंगे रोटावेटर से कद्दू करते समय, देखिए ये देखिए ऊपर उठा दिया है आप देख सकते हैं। ज़्यादा ना उठाएं, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे उठाने लगे भाई, पीछे से ही थोड़ा एक दो लाठी पीछे से ही, यानी कि 10-12 फुट पीछे से ही रोटावेटर को ऊपर उठाने लगे और उसके बाद धीरे धीरे फिर से नीचे कर दें रोटावेटर। इस प्रकार से बहुत बढ़िया रोटावेटर से कद्दू होगा आपका खेत में, यानी कि पाड़े लगा लो कटेंगे बहुत बढ़िया भाई। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जय जवान जय किसान।